हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा नए पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस सभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए। तो ये क्वेश्चंस आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एलआईसी क्लर्क की भी अभी वैकेंसी आई है इन सभी के लिए, और आरबीआई ग्रेड बी, इन सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ वर्ल्ड रिलेटेड क्वेश्चंस लिए हैं, हाईली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय एग्जाम्स में। देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक वर्ड दिया है और चार ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो चार ऑप्शंस में से, पांच ऑप्शन एक्चुअली दिए हैं, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन इस वर्ड का या तो सिनोनिम सिनोनिम होंगे, या सिनोनिम एंटोनिम होंगे, या एंटोनिम एंटोनिम होंगे। ठीक है, इस वर्ड के दो वर्ड का आंसर आपको बताना है, और कोई भी एक कॉम्बिनेशन होगा, या तो वो एंटोनिम्स का कॉम्बिनेशन होगा, या सिनोनिम्स का कॉम्बिनेशन होगा, या सिनोनिम एंटोनिम का कॉम्बिनेशन होगा, या कुछ भी नहीं होगा, यानी नन ऑफ दीज भी इसमें ऑप्शन दिया है, और ये भी इसमें हो सकता है। अब बी वेल, इसमें एक वर्ड दिया है, बी वेल का मतलब होता है दुख मनाना, शोक मनाना। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप ध्यान से, एक एक वर्ड इसमें दिया है मॉर्न, MORN, मॉर्निंग, मॉर्न का मतलब होता है शोक मनाना, रिजॉइश का मतलब होता है आनंद या खुशी मनाना। तो एक सिनोनिम है, एक एंटोनिम है। ठीक है, मॉर्न एंड रिजॉइस इस वर्ड के सिनोनिम एंड एंटोनिम है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए। ये काफी कंफ्यूजिंग रहते हैं, और बैंक पीओ मेंस में भी ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए आपकी रीडिंग स्किल और आपकी वोकैबलरी काफी अच्छी होनी चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, द टर्म बीवेल मीन्स एक्सप्रेस सैडनेस और रिग्रेट। ठीक है, दुख मनाना, शोक मनाना, पश्चाताप मनाना, उसको हम बोलते हैं बीवेल। काफी अच्छा ये वर्ड है। देखिए, सेकंड ये वर्ड है आपके सामने, स्मैटरिंग। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? स्मैटरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज की छोटी क्वांटिटी। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं स्मैटरिंग का क्या मीनिंग है, अ स्लाइट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट। अ स्लाइट सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। तो किसी भी चीज का स्मॉल अमाउंट, या किसी भी सब्जेक्ट की स्लाइट नॉलेज, छोटी सी नॉलेज, सुपरफिशियल नॉलेज, उसको हम बोलते हैं स्मैटरिंग। तो यहां पर इसका जो सिनोनिम्स होगा वो, एक तो फ्यू हो जाएगा, फ्यू का मतलब भी कम होता है, कपल का मतलब भी दो होता है। तो देखिए कितना कितना अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आर्डुअस मतलब जिसमें मेहनत बहुत लगती है, उसको हम बोलते हैं आर्डुअस। कपल एंड फ्यू, यहां पर आपका सही आंसर होगा स्मैटरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सॉर्डिड। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब है जो साफ नहीं है, जो गंदा है। ठीक है, जो डर्टी है, जो क्लीन नहीं है। आप यहां पर देखिए, फिल्दी का मतलब भी गंदा होता है, अनसलिड का मतलब भी, अनसलिड मतलब जो सलिड नहीं है, यानी साफ है। तो इसमें एक ये सिनोनिम, एक ये इसका सिनोनिम हो गया, एक ये एंटोनिम हो गया। ठीक है, सॉर्डिड मतलब डर्टी, मतलब ये सिनोनिम हो गया और ये इसका एंटोनिम हो गया, सिनोनिम एंटोनिम का ये पेयर है। तो सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहां पर आप देख सकते हैं, द टर्म सॉर्डिड मीन्स डर्टी और अनक्लीन। सॉर्डिड का मतलब होता है जो गंदा है और जो साफ नहीं है, सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं मेडल। ये भी एक काफी अच्छा वर्ड है। मेडल का मतलब होता है इंटरफियर करना, दो लोगों के बीच में इंटरफियर करना। इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है मडल, MUDDLE, लेकिन मडल का मतलब होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज करना, या डिसऑर्डर स्टेट में किसी चीज का होना, उसको हम बोलते हैं मडल। लेकिन मेडल का मतलब होता है इंटरफियर करना। ठीक है, और यदि आप इंटरफियर नहीं करते हैं तो आप क्या करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं उसको, या डिसरिगार्ड करते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड इसके सिनोनिम हैं, सॉरी एंटोनिम हैं, निग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड। तो डी यहां पर सही आंसर आपका होगा। एक इसमें ये वर्ड दिया है जाइगेंटिक, इसको हम जाइगेंटिक बोलते हैं, गाइगेंटिक नहीं बोलते, जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, यानी बहुत बड़ा। ठीक है, तो निग्लेक्ट एंड डिसरिगार्ड यहां पर इसके
इसके एंटोनिम होंगे। मेडल का मतलब इंटरफियर, निग्लेक्ट मतलब इंटरफियर नहीं करना, उसको निग्लेक्ट करना। आप यहां पर देख सकते हैं इंटरफियर इसका मतलब होता है। ब्यूकॉलिक, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्यूकॉलिक का मतलब होता है ब्यूटी से रिलेटेड है, गांव में जो ब्यूटी रहती है उससे रिलेटेड है ब्यूकॉलिक। ठीक है, तो वैग्रेंट का मतलब तो जो आवारा घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रेव, शेकफुल, ब्लोटेड। एजिटेशन, कमोशन का मतलब शोरगोल होता है। तो इसमें से एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो इसका सिनोनिम या एंटोनिम है। ठीक है, लास्टिंग का मतलब जो देर तक चलता है, शेकफुल जो डाउटफुल है, साइकिक। तो यहां पर इसमें आंसर होगा आपका नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज भी इन क्वेश्चंस में आंसर आपका हो सकता है। ब्यूकॉलिक, ब्यूकॉलिक का मतलब होता है प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ कंट्री साइड और कंट्री लाइफ। कंट्री साइड हम गांव की जो लाइफ होती है उसको हम बोलते हैं ब्यूकॉलिक। ठीक है, रैचिट, रैचिट का क्या मतलब है? ये भी एक काफी अच्छा वर्ड है। रैचिट का मतलब है, इसको हम व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कंडीशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रैचिट कंडीशन मतलब काफ़ी पुअर कंडीशन, जैसे स्लम्स की कंडीशंस होती हैं उनको हम रैचिट कंडीशंस बोलते हैं। इसके अलावा रैचिट, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, उदास है और अपने आप को अनफॉर्चुनेट फील कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं रैचिट। ठीक है, तो इसके लिए एंग्विश्ड वर्ड आ सकता है। एंग्विश डेफिनेटली इसका सिनोनिम है एंड डिसोलेट। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है? इंडिजेनस का मतलब अपनी कंट्री का कोई 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 प्रोडक्ट है, अपनी कंट्री में बना हुआ है, अपनी कंट्री का नेटिव है तो उसको हम बोलते हैं इंडिजेनस। तो इंडिजेनस का यहाँ पर एक तो जाएगा डोमेस्टिक और एक हो जाएगा एलियन। ये सिनोनिम हो जाएगा और ये एंटोनिम हो जाएगा। डोमेस्टिक का एलियन जो है ये एंटोनिम है। तो डोमेस्टिक एंड एलियन, ये सिनोनिम और एंटोनिम का पेयर हो जाएगा किसका? इंडिजेनस का, इंडिजेनस का। देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और मैंने 2500 वर्ड्स की जो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी उनकी ई बुक्स मैंने प्रिपेयर की हैं। इन ई बुक्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं englishiq.in से। ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है englishiq.in, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप डिराइसिव, देखिए डिराइसिव जो वर्ड है ये डिराइड से बना है। डिराइड का मतलब होता है किसी व्यक्ति का मखौल उड़ाना, हंसी उड़ाना। और रिस्पेक्टफुल तो इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्पेक्टफुल, और स्कॉर्नफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो सिनोनिम और एंटोनिम का ये एक पेयर यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डेराइसिव मीन्स एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और रिडिक्यूल, किसी व्यक्ति के प्रति नफरत जाहिर करना या उसका उसकी हंसी उड़ाना, उसको हम बोलते हैं डेराइसिव। देखिए ये कुछ नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये IBPS क्लर्क में आपसे पूछे जा सकते हैं, PO में भी ये पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस में क्या करना है, ABCDE यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसको जम्बल्ड कर दिया गया है। तो कौन सा पार्ट एक जो रेगुलर सेंटेंस है उसका पार्ट नहीं होगा और सीक्वेंस आपका क्या बनेगा? ठीक है, अब देखिए किसी भी सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली सब्जेक्ट को हम पहले रखते हैं। सब्जेक्ट या डूअर जो होता है उसको हम पहले रखते हैं, वहीं से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो यहाँ से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, पुश्ड फॉर, ये तो एक बीच में, एक बीच का फ्रैक्शन है। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट आया है न्यू डेली। न्यू डेली मस्ट कंटिन्यू, ठीक है, न्यू डेली ये पॉलिटिक, जैसे जैसे अखबारों में जो सेंटेंसेस होते हैं उस तरह का एक सेंटेंस है। न्यू डेली मस्ट कंटिन्यू टू कीप अ कीन आई, यानी यहाँ पर पहले बी आ सकता है। ठीक है, ये बी है और ये है डी। न्यू डेली मस्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू टू वॉट, कंटिन्यू टू कीप अ कीन आई। न्यू डेली को इस चीज पर एक पैनी नजर रखनी चाहिए, यानी बी और डी का एक पेयर डेफिनेटली यहाँ पर बन रहा है। और बी और डी का इसमें इसमें दो पेयर हैं एक्चुअली।
तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू कीप ए कीन आई ऑन कीप आई ऑन होगा एक्चुअली, तो ऑन एक्चुअली यहां पर है, ये ऑन यहां पर है, यानी सी हो जाएगा बी डी सी ई, न्यू दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू कीप अ कीन आई ऑन ऑल द चेंजेस इन द व्हाइट हाउस एंड कैबिनेट। मतलब न्यू दिल्ली को एक पैनी नजर रखनी चाहिए किस पर, जो चेंजेज हो रहे हैं व्हाइट हाउस में और कैबिनेट में, ठीक है। तो ए इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा। अब इसमें आंसर लगाने के दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे आंसर लगा सकते हैं कि जिस भी कॉम्बिनेशन में ए नहीं है वो आपका आंसर होगा, और डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं, तो ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें है, इसमें भी ए है, इन चारों में, इसमें ए नहीं है, बी डी सी ई, और इसका कॉम्बिनेशन भी सही बन रहा है, तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा बी डी सी ई, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। और आगे हम देखते हैं, देखिए एक ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, इसमें सब्जेक्ट देखिए काफी ट्रिकी है, ये सेंटेंस काफी ट्रिकी सेंटेंस है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर है, लेकिन इससे नहीं बनेगा स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। यहां से हम बना सकते हैं ऑन द बाइलेटरल फ्रंट इंडिया, इसमें एक सब्जेक्ट दिया है ये, ऑन द बाइलेटरल फ्रंट इंडिया इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स, इंडिया चूंकि सब्जेक्ट है, ये इंडिया एक सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम वर्ब लगा सकते हैं मस्ट बिल्ड इट्स, यानी ई और बी से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए। अब ई और बी कहां पर है इसमें, ई और बी केवल एक ही पेयर में है इसमें, तो इसका आंसर होगा सेकंड। अब हम पूरा पढ़ लेते हैं इसको, इसका हो जाएगा ऑन द बाइलेटरल फ्रंट इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स व्हाट, इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स, इंडिया को अपना बनाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद द यूएस, ठीक है। तो ई बी डी ए इसमें सही कॉम्बिनेशन होगा, और सी जो है इन्फ्लिक्टेड द ग्रेटेस्ट डैमेज, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो सही आंसर होगा इसमें बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर ट्रंप कैन डेमोन्स्ट्रेट हिज डिप्लोमेसी डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है चालाकी या होशियारी, ठीक है। तो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, यहां से स्टार्ट करते हैं इसको, दिस लीव्स ईरान एस एस ओनली एरिना वेयर मिस्टर ट्रंप कैन डेमोन्स्ट्रेट हिज डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी। मतलब इस घटना से ये पता पड़ता है कि इसमें ये पता पड़ता है, या इस चीज़ की वजह से ईरान एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मिस्टर ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी डेक्सटेरिटी दिखा सकते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्टीज दिखा सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से बन जाएगा इसमें सी और ई का कॉम्बिनेशन बन रहा है, सी और ई किसमें है, सी और ई इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी ई ए बी, ठीक है। दिस लीव्स ईरान एज ओनली एरिना वेयर मिस्टर ट्रंप कैन डेमोन्स्ट्रेट हिज डिप्लोमेटिक डेक्सटेरिटी, हाँ सी ई ए बी इसमें एकदम सही आंसर आपका बनेगा, डी इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, डी इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये जो पाथ है ये इसमें फिट नहीं होगा, ये वाला पाथ, ये ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, यदि आप लॉजिक से क्वेश्चंस को करते हैं, पर्टिकुलरली बैंकिंग के क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, और एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। अब देखिए यहां पर कैसे हम कनेक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, कोई भी सेंटेंस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब्जेक्ट है यहां पर ये डी में, इज़राइल एंड जॉन बोल्टन हैव, ठीक है ये सब्जेक्ट है, और हैव के साथ यहां पर बीन जुड़ सकता है, यानी डी और ए का एक पेयर बनेगा इसमें,
और डी ए इसमें नहीं है, डी ए इसमें नहीं है, डी ए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो डी ए ई सी इसका आंसर बन जाएगा आपका। इज़राइल एंड जॉन बोल्टन हैव बीन द टू मेजर ऑब्स्टिकल्स, देखिए ई आ जाएगा इसके बाद, डी ए ई सी, टू मेजर ऑब्स्टिकल्स टू ए डायरेक्ट इनकाउंटर बिटवीन द टू प्रेसिडेंट्स। ठीक है, तो डी ए ई सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा, ई इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए देखने में ये क्वेश्चंस काफी टफ टफ लग रहे हैं, लेकिन जब मैं इनको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ लॉजिक के साथ, तो आई होप कि आपको भी ये क्वेश्चन सरल लग रहे होंगे। तो इसी तरीके से रियल एग्जाम में होता है, देखने में क्वेश्चन सरल लगेंगे, लेकिन जब आप लॉजिक को अप्लाई करेंगे वहां पर, रीजनिंग के साथ क्वेश्चंस को करेंगे, तो क्वेश्चंस काफ़ी आपको सरल लगने लगेंगे। और लॉजिकल रीजनिंग को आपको सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करना है, मैथ्स में भी, रीजनिंग में भी, करंट अफेयर्स में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ से देखते हैं, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट इसमें है नहीं, सब्जेक्ट इसमें है बी में। द कांग्रेस हैड वंस अगेन शोन इट्स सेल्फ टू बी रिबिन, हाँ यहीं से बनेगा। द कांग्रेस हैड वंस अगेन शोन, बी सी, बी सी का एक पेयर बन रहा है इसमें, बी सी इसमें है, बी सी डी ए का पेयर बना के देखते हैं। द कांग्रेस हैड वंस अगेन शोन इट्स सेल्फ टू बी रिबिन बाय कंफ्यूजन ऑन द पॉसिबल अप्रोच टू फाइट बीजेपी। हाँ यहाँ से सही सेंटेंस बनेगा, टू बी रिबन बाय का मतलब होता है कि कंट्रोवर्सी के द्वारा एक एक दरार डाल देना, ठीक है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना, टू बी रिबन बाय ये होता है। बी सी डी ए इसमें सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट इसमें नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर है। मिस्टर मोदी एंड बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह, ठीक है, अमित शाह ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब, तो वर्ब हो जाएगी इसमें यहां पर एम्बार्क ऑन एडवेंचर्स, यानी इसमें ई एंड बी, ठीक है, ये वाला सेंटेंस हो जाएगा ई और ये वाला सेंटेंस हो जाएगा बी, ई और बी से स्टार्टिंग होगी इसमें, ई और बी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, ई बी इसमें है केवल, तो ई बी ए सी इसका आंसर हो जाएगा। मिस्टर मोदी एंड बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह एम्बार्क ऑन एडवेंचर दैट शैटर्ड द कंट्रीज कम्युनल एंड सोशल पीस। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है एक किसी जर्नी पर निकल पड़ना, ठीक है, तो मिस्टर मोदी एंड बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह एम्बार्क ऑन एडवेंचर्स, इसका मतलब ये है, यहाँ पर छुपा हुआ इसका मतलब ये है कि उन्होंने काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, जैसे कश्मीर में जो आर्टिकल 370 का डिसीजन लिया है, या ट्रिपल तलाक का डिसीजन लिया है, या मोटर व्हीकल एक्ट का डिसीजन लिया, उसकी इसमें बात हो रही है, इनको एडवेंचर्स बोला बोला गया है। ठीक है, तो ई बी ए सी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने ये 14 क्वेश्चंस दिए हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है englishiq.in, इस पर आप ज़रूर जाएं, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट मिलेगा, फ्री ई बुक्स मिलेंगी, और पेड कोर्स में भी मेरा जो ऑफर चल रहा था उसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। इसमें आप बैंक पीओ का पूरा कोर्स 1 साल का, और बैंक क्लर्क का पूरा कोर्स 1 साल का, इंग्लिश सेक्शन का पूरा कंप्लीट सेक्शन, इसको आप 1450 में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिस्काउंट कूपन एक डालना पड़ेगा, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इस ऑफर को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो इन नंबर्स पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।